छत्तीसगढ़ में दशहरा पर्व की धूम पूरे राज्य के साथ राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली, जहां बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का भव्य दहन किया गया। रायपुर के WRS मैदान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 101 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री साय रावणभाटा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री दुधारी मठ रावणभाटा के दशहरा मैदान के विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने भीतर की बुराइयों का अंत करें और रावण का प्रतीकात्मक दहन अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ने की प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि रावण में जितनी भी बुराइयां थी उनका नाश करने का संकल्प लें, काम क्रोध सभी बुराइयों का त्याग करें और श्री राम की तरह मर्यादित जीवन जिए, तभी हमारा और प्रदेश का विकास तेजी से संभव हो सकेगा। आज ये असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। हम लोग हर साल रावण का वध करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आज लोगों के मन में जो काम क्रोध मद लोभ रूपी जो रावण बैठा है उसका वध करने की आवश्यकता है। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि दुनिया किस ओर जा रहा है, आज समाज किस ओर जा रहा है, तो ये विजयादशमी पर्व मनाने की सार्थकता और ये रावण वध करने की सार्थकता तभी होगी जब हम लोगों के मन में जो काम क्रोध मद लोभ रूपी जो रावण बैठा है उसका हम लोग दमन करें, उसका हम लोग वध करें।